you can see that it's perfectly stable. And then CD top, or maybe by the lid and TV, FCC top, portion top, Rohit Chakravarti, Hawaii State President, Dr. Vareji, Dr. T. Rajasthan State President, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और मेरे भाइयों, थोड़ी देर पहले मेरे भाई चले गए थे, बड़े साफ लक्षणों के साथ, दिल के साथ आपको दिल की एक एक बात बताई कि टेररिज्म कैसे आता है, किन राजनीतिक कमियों के कारण टेररिज्म आता है, इसका जिम्मेदार कौन है, उन्होंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया। आतंकवाद अगर आज दुनिया के अंदर दे लें तो हमारे राजनीतिक लोगों की सबसे बड़े उसके दोषी हम राजनीतिक लोग हैं। जब हम वोट और सत्ता की खातिर कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं, ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि उसका आने वाले दूर तक उसके हमें बड़े बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। आतंकवाद कभी हम सोचते थे कि आतंकवाद सिर्फ पंजाब के अंदर, जब पंजाब के अंदर हजारों बहनों के सौहार्दों को उजाड़ा जा रहा, हजारों बच्चों को यतीम किया जा रहा, हर तरफ गोलियों और बमों की आवाजें सुनाई देती और उस वक्त हम भी अपनी मौत का कफन बांध के निकले थे और ये कह के निकले थे सर फलोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात हुए काफिल में है। गोली का जवाब गोली देने के लिए नहीं निकले थे, हम निकले थे वो नारा लेके जो दलेर मेहंदी जी ने अभी नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब उन दीवारों के ऊपर नारे लेके होते थे खालिस्तान जिंदाबाद, हम कहते थे खालिस्तान जिंदाबाद नहीं, उसको मिटा के लिखते थे भारत एक धर्म ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वो नारे लिखते हुए हमारे ऊपर गोलियां भी चल सकती चली भी बम भी खाए, पर अपना एक मिशन था खून हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई हो, है तो वो इंसान, हम किसी बेगुनाह का खून नहीं बहने देंगे, गोलियां सीने में खाएंगे पर इस हिन्दुस्तान की धरती पर किसी का बहन का सौहार्द नहीं उजड़ने देंगे। बड़ी देर पंजाब की गन चलती रही पर पंजाब के अंदर जब यह फैसला किया कि बेगुनाहों का खून करने वाले का जवाब गोली का जवाब गोली होगा, आतंकवादियों के साथ कश्मीर की तरह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो वो आतंकवाद पंजाब के अंदर ठीक हुआ। और जब पंजाब के अंदर कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई जब सब पॉलिटिकल पार्टियों ने कह दिया कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें पावर नहीं चाहिए, हमें आतंकवाद को मिटाना है, उसके लिए चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देनी पड़े, और पंजाब के अंदर कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई गोलियां सीने पे खाते रहे और अपनी भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए आतंकवाद के खात्मे के लिए आगे बढ़ते गए और आतंकवाद पंजाब के अंदर ठीक हुआ। ये मिसाल आज दुनिया को देखनी चाहिए कि आतंकवाद कभी प्यार से ठीक होने वाला नहीं है। आगे राजनीतिक फैसले गलत ना हो, आगे अगर आतंकवाद पहुंचता है तो उसके लिए हर राजनीतिक आदमी को सोचना होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ आज अमेरिका के अंदर हुआ, अगर अमेरिका ने उस वक्त जब बिन लादेन ने उनके ऊपर बम पेंडिगो के ऊपर बम चलाए थे, अगर उस वक्त बिन लादेन का इलाज हुआ होगा तो आज ये इतनी बड़ा हादसा न होगा, आज अमेरिका नहीं हुआ। सोचना चाहिए कि अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ है, मैंने देखा कि लोग खुशियां भी मना रहे हैं, उनको मैं ये कह देना चाहता हूं ये अमेरिका के ऊपर हमला नहीं, ये पूरी दुनिया के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया है जिसका हमें सबसे खासतौर पर आज मैं जापान यूएनओ मैं बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो यहां भी आए, पर आज हिन्दुस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट आज के हालात को देखते हुए नहीं देनी चाहिए जिसमें ठिड़कू दंगे होने की कोशिश हो। जो हिन्दुस्तान के आज प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कह दिया कौन किस पार्टी का है आप इसे नहीं सोचना, जो हिन्दुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर बीजेपी के लीडर ने कह दिया प्राइम मिनिस्टर
ने कह दिया कि आज हर व्यक्ति को इस हालात के ऊपर एक होना पड़ेगा और जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, खड़े होना पड़ेगा इसके ऊपर। किसी भी पॉलिटिकल और पार्टी को इसका समर्थन भी करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि यह बीजेपी का है, कांग्रेस का है। आज किसी समुदाय से किसी ने आज कहा, मैं नाम नहीं देना चाहता हूं क्योंकि हम ये बयानबाजी की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते, उसने कहा कि अमेरिका की मदद भारत को नहीं करनी चाहिए, भारत को यहां पर जगह नहीं देनी चाहिए। मैं उन लोगों को आज ये कह देना चाहता हूं, यह आज भारत का नहीं है, दुनिया का सवाल है। अगर आज इन चीजों का जवाब अमेरिका ने ना दिया तो कोई भी कंट्री छोटा हो बड़ा हो वो आतंकवाद से नहीं बचेगा। राजनीतिक हम लोग करते रहेंगे, नेता लोग करते रहेंगे और ये गुनाहों की जाने जाती रहेगी ऐसे गलत फैसलों। आज हमें डट के ये स्टेप लेना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हमने लड़ना है, और वही अफगानिस्तान जहां हमारा प्लेन अगवा हो गया और आज वो अफगानिस्तान अपने आप इस चक्कर में फंस गया। आज पाकिस्तान को भी अपनी नीति क्लियर करनी होगी। आज पाकिस्तान का मुशर्रफ, पाकिस्तान का वो जनरल, उनको आज वहां के लोगों को ये बताना होगा कि आतंकवाद सबसे बुरी चीज है। आतंकवाद के खिलाफ जिस दिन पाकिस्तान आगे आएगा उस दिन किसी भी बेगुनाह का खून नहीं होगा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है और यही कहा जा रहा है कि हम वहां आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीर का एक एक हिस्सा, इतनी कुर्बानियों के बाद कश्मीर का एक एक हिस्सा भी हम पाकिस्तान में किसी सूरत में नहीं जाने देंगे। आज जो हम देख रहे हैं हमारे जवानों की ओर शहादत हो रही, हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 50-100 के करीब जवान नहीं मारे जाते। मैं तो यही कहूंगा आतंकवाद के बारे में अगर कोई कंट्री सोचना चाहता दुनिया के अंदर तो उसको पंजाब की मिसाल अपने सामने जरूर लेनी चाहिए। हमने सोचा था कि पंजाब में खालिस्तान बने, हमने सोचा था कि पंजाब अब ठीक नहीं होगा क्योंकि पंजाब के अंदर इतना आतंकवादियों का छाया हो चुका था, हजारों बेगुनाहों के खून हो रहे थे। हमें यही लगता था यहां खालिस्तान 20-15 साल के बाद खालिस्तान बन जाएगा, पर अगर पंजाब जैसी एक छोटी सी स्टेट इतने बड़े आतंकवाद से ठीक हो सकती है तो बाकी कंट्रियों को भी इसका जरूर इसकी रूपरेखा लेके इसको तैयार करना चाहिए। और आतंकवादियों के साथ जब जब नरमी हुई तब तब हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के अंदर आतंकवाद तंपा, इनका कोई इलाज नहीं, कोई इनके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, एक ही इलाज होने का जवाब होगी। आज आतंकवादियों के मन में कन्या बीमराहों के खून कर पहले बहनों के सौभागों को जा दो, बच्चों को यतीम कर दो, गोली और बमों से सरकारों को गिरा करा दो और उसके बाद बहुत बड़े नेता बनके फिर इलेक्शन लड़के बहुत बड़े मंत्री भी बन जाओ। ये जो ऐसी विचारधारा, ऐसी जो आज रूपरेखा तैयार हो रही है, इसके ऊपर सरकारों को कोई ना कोई अपनी नीति जो है वो अलग करनी पड़ेगी। तो हम आज यही कहना चाहते हैं जवानी की जलती मिसालें उठाकर अंधेरों की आंधी को हम चीर लेंगे, आखिरी दम तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे इस चीज का जरूर अफसोस हमेशा रहा है रहेगा कि दुनिया के लोग तो इस मंच के ऊपर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए नारा देते हैं ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, पर अपने भारत के अंदर जब अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को देखता हूं, जब आतंकवादियों के बारे में कोई बात होती है, इस भारत माता की आजादी की रक्षा के ऊपर बात होती है तो कभी इकट्ठे नहीं होते, पर पार्लियामेंट के अंदर अगर अपना दंड राशि 1 करोड़ का 2 का 3 कर रहा हो तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे हम नाम भारत को बता आज एक ही बात कहूंगा कि हम आज इस बात की शपथ लेते हैं, आगे भी ली है, लेते रहेंगे और आज भी लेते हैं कि हम अपने खून का आखिरी कतरा इस देश के लिए और पूरी दुनिया की शांति के लिए
हम हमेशा हमेशा के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे जितनी देर तक पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद खत्म नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद जय भारत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किया।